वेलकम टू द व्लॉग अगेन। तो आज हम दोनों जा रहे हैं बंगला साहिब गुरुद्वारा। शाम हो गई है, शाम के 5 बज गए हैं। तो लॉकडाउन में हमारा ऐसा था कि हम लोग नहीं जा पाए साल में एटलीस्ट एक बार ही, वैसे तो ज़्यादा ही जाना चाहिए बिकॉज पास में ही है। बट जैसे पिछली बार ये पिछले साल लॉकडाउन था तो बिल्कुल भी नहीं जा पाए, तो आज हमें मौका मिला है जाने का। तो हम लोग जा रहे हैं डेली बंगला साहिब गुरुद्वारा और हम लोग और भी वहाँ पे जगह को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे वहाँ पे क्या क्या चीज़ें, और आपको भी दिखाएंगे। बट पहले हम लोग चलते हैं गुरुद्वारे में, तो आप और हम मिलकर बाबा जी के दर्शन करते हैं। तो ये हम पहुँच गए फिल्म सिटी के पास और यहाँ जो ये मेरे लेफ्ट में है ये है मायावती पार्क। ये भी बहुत अच्छा पार्क है, कभी मौका मिला तो इसमें भी जाएंगे। ये भी ओपन हो गया, इसमें इन्होंने 20-25 हाथी बना रखे हैं। हाँ नहीं ज़्यादा है बल्कि सारा खर्चा हाथियों पे लगा हुआ है। हाँ ये बहुत बड़ा फैला हुआ जगह है। मायावती तो चली गई पार्टी से, बेचारे हाथी रह गए उसके। अब हम जाएंगे डीएनडी की तरफ। एक रास्ता जाता है, नहीं नहीं हम डीएनडी नहीं जा रहे, हम दिल्ली इधर से निकल लेंगे, हम अक्षरधाम से जा रहे हैं। अक्षरधाम से चले। ओके, और ये जो मेरे राइट में है ये है फिल्म सिटी। यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स वगैरह जो भी हैं वो होते रहते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे न्यूज चैनल के ग्रीन रूम भी है। आपका जो न्यूज 18 है और काफी न्यूज चैनल है ना, उनके यहीं से सारे शूट होते हैं। ब्यूटी ऑफ नोएडा। ये जो दिख नहीं रही है, थोड़ी सी दिख रही है अगर, ये जमुना है, काला पानी, काला पानी है, नाला नाला, सब सत्यानाश होया हुआ है इसका। और पता है ये इतनी सही हो गई थी तो लॉकडाउन में साफ हो गई थी। हाँ। और फिर से फैक्ट्रीज के लिए सब गंद कबाड़ सब इसमें। अच्छा वो रहे हमारे सूरज जी, कितने अच्छे लग रहे हैं। वाओ यार कितना अच्छे लग रहे हैं भाई, देखो 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 घूम कर चर्च है। पता नहीं ये चर्च अभी ओपन है या नहीं, देखते हैं एक बार दर्शन करने के बाद, उसके बाद देखेंगे आ सकते हैं यहाँ पे या नहीं आ सकते। तो ये है हमारा बंगला साहिब गुरुद्वारा, और गुरुद्वारे से थोड़ा सा ऐसे आगे आते हुए ये है प्राचीन हनुमान मंदिर। ये भी बहुत मतलब पुराना मंदिर है और बहुत यहाँ पर लोग आते हैं। तो अभी हम लोग गुरुद्वारा भी गए नहीं है, अभी हमें कार पार्किंग देखनी है कि कहाँ पे है। तो पहले हम गाड़ी पार्क करेंगे, देन उसके बाद हम लोग घूमेंगे और सबसे गुरुद्वारा देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने गाड़ी जो है वो पार्क कर दी है, थोड़ा गाड़ी पार्क करने का इशू है यहाँ पे। तो और संडे का भी टाइम है तो पार्किंग इतनी ईजीली मिलती नहीं है। तो अभी हमने निशानी याद करके हमने देख लिया कि हमने गाड़ी कहाँ पार्क करी है। अब हम पैदल ही जा रहे हैं गुरुद्वारे में, क्योंकि कोई भी ना यू टर्न वगैरह कुछ भी नहीं है, काफ़ी दूर दूर से घुमा के गाड़ी वगैरह लेके आनी पड़ती है। तो बस पैदल आधे घंटे का आधा किलोमीटर का रास्ता है, वॉकिंग डिस्टेंस है। तो अपन लोग वॉक करके ही मंदिर तक पहुँचेंगे। हाँ यहाँ से चलते हैं। बंगला साहिब गुरुद्वारा हम फाइनली पहुंच गए। ये तो पार्किंग खाली नहीं है। Thank you.
का भी वो होता है, लंगर बटता है, प्रसाद बटता है, ठीक है, प्रसादा। तो आई गेस कोरोना की वजह से शायद प्रसादा वगैरह नहीं अभी मिलेगा, बट जो खाना होता ना बड़ा अच्छा होता है, बहुत टेस्टी खाना होता है, देसी घी का होता है। बट ये लॉकडाउन वगैरह का टाइम होगा तो खाना यहाँ पे होगा नहीं प्रसादा वगैरह, तो ठीक है दर्शन करके ही चलते हैं। ये वैसे यहाँ प्रसाद खाने ही आती है हमेशा? मैं खाया एक आधी बारी खाया, पर वैसे तो खा लेना चाहिए, क्या हुआ, क्यों नहीं खा सकते। उनकी बात को रिस्पेक्ट रखते हुए मैंने अंदर का शूट नहीं किया है क्योंकि वहाँ मना कर रहे थे। तो हम लोग वहाँ से आ गए और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पॉन्ड है जिसमें मछलियाँ होती हैं, लेकिन रात का टाइम में अभी मछलियाँ नहीं दिखेंगी, बट मैं पॉन्ड दिखा देती हूँ। हो गई, ये देखो ऐसे ऐसे फिशेज हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, और ये पूरा पॉन्ड है जैसे गुरुद्वारों में होता है। तो दर्शन हमारे हो गए, ज़्यादा नहीं वहाँ पे कैमरा वगैरह यूज़ कर पाए क्योंकि उन्होंने मना किया वहाँ पे कैमरा वगैरह यूज़ करने के लिए, क्योंकि वहाँ पार्ट चल रहा था उस टाइम पे, तो इसीलिए जितना भी था वही है और वही मैंने आपको दिखा दिया है। और अब हम चल रहे हैं वापस, अभी देखते हैं घूमते हैं सिटी में, देखते हैं और कहाँ जाते हैं, पूरी रात ना दिन पड़ा हमारे पास, अभी हम मतलब पूरी ये वाली शाम, और अभी चलते हैं देखते हैं। आधा किलोमीटर दूर जो है सिटी है, अब वहाँ पे जाते हैं डिनर वगैरह करके। और मुझे यहाँ से एक वो तांबे की रिंग चाहिए, एक तांबे की रिंग लेंगे। तो बाबा जी के दर्शन हो गए और हाँ मैंने ये तांबे की रिंग ली है। तांबे की रिंग क्यों ली है, क्योंकि ये जो क्यूटिकल्स आते हैं ना ये नाखून के आसपास, ये जो ये खाल जो होती है, जो स्किन होती है हमारी, वो निकलने लग जाती है, तो इससे वो रुक जाते हैं। तो इसीलिए जो कॉपर की रिंग होती है वो यहीं मिलती है गुरुद्वारों में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये ली। और अब हम जा रहे हैं चर्च में, जो बिल्कुल मैंने आपको दिखाया था गुरुद्वारे के सामने है, देखते हैं अगर वो खुला हुआ होता है तो अभी चलते हैं दिखाते हैं, देखते हैं कैसा है। बड़े टाइम हो गए आए नहीं है यहाँ पे।